गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे कृतिका बुक से विषय हिंदी कक्षा नौवीं की, किस तरह आखिरकार में हिंदी में आया। इसके लेखक हैं शमशेर सिंह बहादुर, शमशेर बहादुर सिंह। इनका जन्म हुआ 1911 में। जन्म हुआ 1911 उत्तरांचल में। 1911 उत्तरांचल में। और इनकी रचनाएं हैं कभी ही नहीं, एक अनूठे गद्य लेखक भी हैं ये। दो आप, प्लाट का मोर्चा आदि। दो आप ये क्या है, रचनाएं हैं। रचनाएं दो आप और प्लाट का मोर्चा। प्लाट का मोर्चा कुछ कविताएं भी लिखी इन्होंने, जैसे कि कुछ कविताएं जो बताई गई कि तुझसे काल, तुझसे ओढ़ है मेरी। कुछ गद्य रचनाएं भी इन्होंने संग्रह की। और इनकी मृत्यु 1993 में हुई। 1993 में देहांत हुआ। अब हम पढ़ेंगे कि लेखक अपने बारे में क्या बोल रहा है, है ना, इस पाठ के बारे में कि इसका सारांश क्या बता रहा है। तो लेखक कहते हैं कि मैं हिंदी में कैसे आया, आप बीती अपनी कहानी का भाव सुना रहे हैं। और शमशेर बहादुर सिंह जी के द्वारा यह लिखे थे, इस कहानी के माध्यम से लेखक के द्वारा अपने लेखन विद्या में आने की घटनाक्रम का उल्लेख किया है, यानी लेखन में वो कब आए उसकी घटना का वर्णन किया है उन्होंने। फिर लिखते हैं कि प्रस्तुत कहानी के अनुसार वे नाराज होकर अचानक दिल्ली के लिए पहली बस पकड़कर रवाना हो जाते हैं, और उन्होंने तय कर लिया था कि काम करना है, और वे अपनी ख्वाहिश के अनुकूल पेंटिंग की शिक्षा लेने के लिए तैयार हो गए। फिर उन्होंने लेखक परीक्षा में पास हो गए, और उन्होंने पेंटिंग के प्रति असमर्पण भाव को देखते हुए बिना फीस के ही उनको वहाँ पर दिल्ली में प्रवेश मिल गया। लेखक करोल बाग में सड़क किनारे एक कमरे में किराए से लेकर अपने क्लास के लिए आने जाने लगे, और लेखक अक्सर रास्ते में आते जाते समय ड्राइंग के साथ साथ कुछ कविताएं भी लिखा करते थे। ड्राइंग के साथ साथ वो कविताएं भी लिखते थे, और उनको गुमान नहीं था कि कविताएं उनके प्रकाशक होंगी या नहीं। कभी कभी लेखक तेज बहादुर उनके लिए मदद करते थे, और साइन बोर्ड पेंट पर उनको कुछ अर्जित करने के लिए पैसा भी दिया करते थे। फिर 30-40 वर्ष के बाद वे महाराष्ट्र को चले गए। उसके बाद लेखक अंदर से दुखी हो जाते हैं, और उनकी पत्नी का देहांत टीबी की बीमारी से हो जाता है, और पर अब बिल्कुल अकेलापन महसूस करते हैं। स्केच करना या कविता लिखना उनके जीवन का मुख्य हिस्सा बन जाता है। क्लास जब समाप्त हो चुकी होती वहां से निकल जाते हैं, और बच्चन जी के स्टूडियो में आए गए। उन्होंने लेखक के नाम एक नोटिस लिखा और कहा कि उनकी एक बुरी आदत थी कि पत्रों का जवाब ना देना। तत्पश्चात लेखक के मन में अतुकान मुक्त छंद रूपी कविता उभरी। अतुकान थे यानी बहुत ही भावयुक्त, और कविता लिख लेने के बाद वे जवाब स्वरूप बच्चन जी को प्रेरित करने के लिए उद्देश्य से रख लिए थे। उन्होंने बाद में लेखक ने अपने ससुराल देहरादून आ जाते हैं, वहां उन्होंने केमिस्ट और ड्रगिस्ट की दुकान पर भी कंपाउंडरी करी थी। केमिस्ट की दुकान दवाइयां, ये क्या कहलाता है, दवाइयों की दुकान। केमिस्ट या ड्रगिस्ट दवाइयों की दुकान है, दवाइयों की दुकान। कंपाउंडरी सीखी, कंपाउंडरी करने ने दवाई देने वाला। फिर एक दिन लेखक ने अपनी ओर अतुकान मुक्त छंद वाली कविता को लिखा,
फिर वे देहरादून आए और ब्रजमोहन गुप्त के यहाँ ठहरे थे। संयोग से ही बच्चन, यानी यहाँ पे बताया हरिवंश राय बच्चन जी से मुलाकात होती है उनकी। ब्रजमोहन गुप्त के साथ वे डिस्पेंसरी आकर लेखक एक दिन के लिए मेहमान बनते हैं और रह जाते वहां। उस छोटी सी सटीक मुलाकात में लेखक को श्री बच्चन के साथ व्यवहारिक स्तर जोड़ने के लिए सफल हुए और बच्चन लेखक से कहा कि तुम रहोगे तो मर जाएंगे, मर जाओगे, मेरे साथ इलाहाबाद चलो, एमए करो। तत्पश्चात लेखक इलाहाबाद चले जाते हैं। बच्चन ने क्या कहा उनसे कि चलो तुम मेरे साथ इलाहाबाद चलो। इलाहाबाद में लेखक को बच्चन परिवार से बहुत मदद मिली और प्यार मिला। बच्चन जी ने पिताजी के गार्जियन की भूमिका निभाई और सूफी नज़मों का एक से बड़ा संग्रह लिखने को दे दिया और नौकरी की तरफ से उनका रुझान भी बढ़ा। फिर नौकरी से दूर रहे हुए और हिंदू बोर्डिंग हाउस के कामन रूम में एक सीट फ्री में मिल गई थी, जहां पर विंडियोसिसियन के प्रेस से अनुवाद का काम करते थे। फिर आगे लेखक ने हिंदी कविताएं भी लिखी और किसी भाषा को लेकर कभी उन्होंने कोई भी दीदार और या कोई भी बात खड़ी नहीं करी। आखिरकार लाख कोशिशों के बाद एमए फाइनल की परीक्षा लिखी, नहीं लिखा और उन्होंने फिर क्या किया, कविता रच रहे थे। वह प्रयास निरर्थक भी गया उसका। उसके बाद सरस्वती पत्रिका में छपी कविता, लेखक की एक कविता ने निराला जी का ध्यान आकृष्ट कर दिया, अपनी ओर आकृष्ट कर दिया, उन्हें अपनी ओर खींचना, आकृष्ट यानी अपनी ओर खींचना, खींचना आकर्षित करना है ना। फिर इसके बाद में लेखक कहते हैं कि बच्चन को असाधारण कहकर उनकी मर्यादा कम नहीं होती, लेकिन साधारण और सहज प्राय दुष्प्राय भी हैं। लेखक के अनुसार बस यही बात सच है। लेखक अपने बारे में पूरी बात बता रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारा ये सब, हमारे साथ ये हुआ। अब है प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, वह ऐसी कौन सी बात रही होगी जिसने लेखक को दिल्ली जाने के लिए बाध्य किया? उत्तर बताया है, लेखक की बेरोजगारी पर उपहास किया गया था, गया होगा, या फिर घर की दयनीय स्थिति का तरस खाकर लेखक ने दिल्ली जाने को बाध्य हो गए होंगे। फिर प्रश्न दूसरा है, लेखक को अंग्रेजी कविता लिखने में अफसोस क्यों नहीं हुआ? तो अंग्रेजी भाषा ना होने के कारण उनका ज्ञान लोगों से समझ परे थी, इसलिए जब लेखक अंग्रेजी में कविता लिखते होंगे तो उन्हें सब नहीं पढ़ पाते रहे होंगे, इसलिए लेखक अंग्रेजी में कविता लिखने का अफसोस रहा। अपनी कल्पना लिखने के लिए लेखक ने नोट में क्या लिखा? बच्चन ने लेखक के लिए नोट में लिखा है कि तुमने हिंदी कविता लेखन की बहुत संभावनाएं हैं तुम में। किसके लिए बोला? लेखक को बोला, बच्चन जी ने। अपने कलम की रफ्तार को थमने मत देना और इलाहाबाद आ जाओ, बाकी की पढ़ाई पूरी कर लो, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। किसने कहा? बच्चन जी ने कहा लेखक। फिर प्रश्न है, व्यक्तित्व किन किन रूपों में उभारा गया? लेखक के बच्चन के व्यक्तित्व के निम्नलिखित रूपों को उभारा है, जैसे कि बच्चन जी स्वभाव से परोपकारी थे। परोपकारी यानी भला करना, परोपकारी यानी भला करना, दूसरों का भला करना, कार्य यानी दूसरों का भला करना, पर उपकार है ना, दूसरों का भला करना। फिर बच्चन जी की बच्चन जी कुशल व्यक्तित्व के धनी थे, यानी पर्सनालिटी इसमें बोलते, पर्सनल व्यक्तित्व यानी देखने में सुंदर। बच्चन जी की सृजनात्मक शक्ति अद्भुत थी, सृजनात्मक यानी लिखने की क्षमता, ये सब चीजें बहुत ही अच्छी थी। बच्चन जी किसी आंतरिक प्रतिभा को पहचानने में माहिर थे। माहिर थे यानी एक्सपर्ट होना या जानकार होना, माहिर होना यानी।
बच्चन की किसी अंतर प्रतिभा को पहचानने में माहिर थे। उन्होंने लेखक के सोनेट को पढ़कर उनकी प्रतिभा को पहचान लिया था। लेखक के सोनेट को यानी सारी प्रतिक्रिया देख के पहचान लिया था। फिर बच्चन एक धैर्यवान संघर्षशील व्यक्ति थे। कठिन कार्य को करने वाला संघर्षशील यानी कठिन कार्य को करने वाला संघर्षशील होना यानी कर्मठ या कठिन कार्य को सरलता से मेहनत करने वाला। संघर्षशील का होगा मेहनत करने वाला, मेहनत करने वाला है ना। क्या क्या बताया बच्चन जी के बारे में बताया लेखक को, उन्होंने क्या क्या मदद की। फिर प्रश्न 5 है, बच्चन के अतिरिक्त लेखक को अन्य के लोगों का और किस प्रकार का सहयोग मिला। उत्तर है बच्चन के अतिरिक्त कई लोगों का सहयोग मिला, जैसे कि तेज बहादुर सिंह का। ये लेखक बड़े भाई थे लेखक के, जो लेखक को कुछ पैसे देकर आर्थिक रूप से सहयोग करे। फिर वकील ये आर्ट के शिक्षक थे और इन्होंने पेंटिंग की बारीकियां सिखाई उनको। किसको सिखाई? शमशेर सिंह बहादुर सिंह को, है ना। उनके ये बड़े भाई थे तेज बहादुर सिंह। बच्चन के पिता जब लेखक इलाहाबाद में आकर रहने लगे थे तो अभी एक अभिभावक के रूप में बच्चन के पिताजी ने लेखक का सहयोग किया था। सुमित्रानंदन पंत जी, श्री पंत जी ने इंडियन प्रेस में अनुवाद का काम दिलाया था। किसको? शमशेर बहादुर सिंह जी को, ससुराल वाले। इन सबका सहयोग आजीविका चलाने में था। ससुराल वालों को कंपाउंडिंग का ट्रेनिंग का सहयोग किया। इनका लेखक का अब प्रश्न है 6वां, लेखक के हिंदी लेखन में कदम रखने का क्रमानुसार वर्णन कीजिए। किस तरह आखिरकार में हिंदी में आया, जो अपने अभी पाठ का जो सारांश पढ़ा या पाठ का नाम क्या है, किस तरह आखिरकार में हिंदी में आया। तो यह 93वें लेखक की कुछ रचनाएं थी, सरस्वती और चांद पत्रिकाओं में छपी हुई थी। बच्चन के द्वारा 14 पंक्तियों का एक स्टैंजा था। लेखक इनसे प्रभावित किया हुआ और उसी प्रकार से एक रचना की है, वो कभी कभी छपी छपने लगी। श्री बच्चन की निशा निमंत्रण की कविताएं के रूप प्रकार प्रेरित होकर निशा निमंत्रण के कवि के प्रति कविता भी लिखी। और जिस प्रकार पंत जी के कुछ संशोधन हैं, लेखक ने कविता को अप्रकाशित किया और सरस्वती में छपी। एक कविता ने निराला जी का ध्यान आकर्षित किया। बाद में लेखक ने कुछ हिंदी निबंध भी लिखे। तत्पश्चात बनारस हंस कार्यालय की कहानी में चले गए। तो हमने आज क्या पढ़ा कि लेखक आखिर हिंदी में कैसे आए, लेखक कैसे बने, है ना। अब लेखक ने क्या क्या कठिनाइयां झेली, लेखक ने क्या कठिनाई झेली, फिर आप प्रश्नों के शब्दार्थ देख लिया। जैसे दिया है जुमला वाक, मुक्तसर संक्षिप्त शारूप, लंबे सड़क एवं सड़क के किनारे फौरन यानी तुरंत, है ना। वसीला यानी जरिया, कोई स्रोत, वसीला यानी जरिया या स्रोत, है ना। कहीं भी बैठने का ठीक हा बोलते। जैसे गोया जैसे मानो इबारत, वाक्य की बनावट, अर्धांगिनी बीवी की बीवी या पत्नी, मेजबान, इत्तफाक यानी संयोग, विन्यास यानी व्यवस्थित करना, क्षोभ यानी दुख, असंतोष, नैसर्गिक आदि। ये सब बच्चों आपको अपनी कॉपी में लिखना है और सारे आंसरों को गृह कार्य की कॉपी में आपको करना है। आज का पाठ आपका समाप्त हुआ, कृति का बुक का। ऐसे करके लेखक किस तरह आखिरकार हिंदी में आया और पाठ का सारा शब्द सब हमने ये बताया आज, जो आपको ये सब आपको अपनी कॉपी में लिखकर सारा लिखना है। आप लोगों को